शाहरुख खान की हीरोइन के साथ अब रोमांस करने जा रहे हैं अक्षय कुमार, क्योंकि बैक टू बैक कई फिल्मों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार अब एक और नई फिल्म साइन कर चुके हैं, जिसमें शाहरुख की आने वाली फिल्म की एक्ट्रेस अक्षय संग रोमांस करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि स्काई फोर्स की शूटिंग खत्म होने के बाद से अक्षय अपने इस फिल्म की शूटिंग में लगेंगे। अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म इटालियन मूवी की रिमेक होगी। दरअसल बॉलीवुड के गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक मुद्दसर अजीज के डायरेक्शन में बनने जा रही अक्षय कुमार की खेल खेल में इटालियन मूवी का रिमेक है, और इस फिल्म में शाहरुख की फिल्म डंकी, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है, उसकी हीरोइन यानी कि तापसी पन्नू अब अक्षय कुमार के साथ भी रोमांस करती नजर आएंगी। इस फिल्म में एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि दो एक्ट्रेस है, पहली तापसी पन्नू और दूसरी वाणी कपूर भी अक्षय कुमार की इस फिल्म में है। देखिए, अक्षय कुमार के सितारे फिल्मों के मामले में इस समय गर्दिश में चल रहे हैं। बीते कुछ महीनों में अक्षय कुमार एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं। ऐसे में अब जो फिल्में अक्षय कुमार को ऑफर हो रही हैं, उसमें वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अक्षय कुमार के पास पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर अक्षय कुमार दिन रात काम भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दिनों पहले आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अक्षय कुमार ने एक नई फिल्म के लिए फेमस डायरेक्टर मुद्दसर अजीज संग हाथ मिलाया है, और अब इस पर लगता है काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि मुद्दसर अजीज के साथ अक्षय कुमार की नेक्स्ट इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रिमेक कर रहे हैं, जिसका नाम खेल खेल में है। बताया जा रहा है कि इसमें मेन लीड में एक बड़े स्टार कास्ट की टोली है। हालांकि परफेक्ट स्ट्रेंजर्स एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और साल 2016 में रिलीज होने के बाद से इसे 20 से ज्यादा देशों में रिमेक किया जा चुका है। बता दें कि परफेक्ट स्ट्रेंजर 7 लॉन्ग टाइम दोस्तों की कहानी बताती है, जो रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और एक गेम खेलने का फैसला करते हैं, जिसमें आने वाले सभी मैसेजेस और कॉल्स एंटायर ग्रुप के सामने खुलासे होते हैं। अब ऐसे में मुद्दसर लंबे समय से इसका इंडियन वर्जन बनाने के लिए एक्साइटेड हैं, और उन्होंने स्क्रीन प्ले को देसी स्टाइल में अडॉप्ट किया है। इतना ही नहीं, अक्षय ने कहानी को टाइटल दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि फिल्म को नवंबर के एंड तक यूके में 2 महीने के सीधे शेड्यूल में शूट किया जाएगा। कुल मिलाकर अक्षय के पास बहुत सारी फिल्में रिलीज होने को हैं, कुछ की शूटिंग वो कर रहे हैं और कई सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिस पर प्री प्रोडक्शन वाला काम चल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अक्षय की इस खेल खेल में वाली कॉमेडी फिल्म में और कौन कौन से स्टार कास्ट शामिल होते हैं। खैर, हेरा फेरी 3 से पहले अक्षय कुमार की एक और कॉमेडी फिल्म को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।